हेलो दोस्त, रेलवे जेई डीएमएस भर्ती 2018 का 3/2018 आज से ऑनलाइन यानी 2 जनवरी से ऑनलाइन हो रहा है और होने वाला है। तो यहाँ बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि किस आरआरबी में भरें, कौन सी आरआरबी भरें, कहाँ की क्या कटअप रहती है। तो यहाँ आरआरबी अजमेर की बात करेंगे। तो आरआरबी अजमेर की 2014 की कटअप है। तो कुछ लोग कहेंगे कि 2015 की कटअप कहाँ गया, तो 2015 का मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्लस में आपको अहमदाबाद के लिए 2014-15 ऑलरेडी बता रखा हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में पूरी जेई का, जितने जेई का है, एक प्लेलिस्ट बना रखा हूँ जेई 2018, तो वहाँ से आप देख सकते हैं 2018 का रिलेटेड जो भी वैकेंसी होगा। तो यहाँ बात करेंगे कटअप में 2014 का, जिसमें जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रॉनिक्स और डीएमएस। तो यहाँ जेई इलेक्ट्रिकल में कहेंगे भी तो बहुत सारे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 2-3 होगा, सिग्नल टेलकॉम होगा, मैकेनिकल में भी 2-3 होंगे और सिविल में भी पीवे, ब्रिज, वर्स, तीनों चारों का सबका कॉम्बिनेशन करके यहाँ आपके साथ लाए हैं। और ये सारा ऑफिशियल है, कोई इधर उधर की बातें नहीं, जो रेलवे की वेबसाइट पर अवेलेबल है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो अवेलेबल पहले था अभी अवेलेबल है ये नहीं मैं कह सकता, क्योंकि ये 2014 का नोटिफिकेशन है, वो कटअप मैंने सेव करके रखा था। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे हम अजमेर की कटअप की बात करेंगे, तो सबसे पहले कैटेगरी नंबर एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ देखें कटअप 2014 4 पैनल यानी फाइनल कटअप है, कोई इसमें बीच में नहीं है, जो ज्वाइनिंग के लिए दिया गया है। तो कैटेगरी नंबर 36, 37, 38, 43, 43, एक NWR और WCR दो वैकेंसी लेता है नॉर्थ रेलवे में अजमेर के तरफ से, एक अहमदाबाद का कुछ क्षेत्र आ जाता है और एक अजमेर का प्योर क्षेत्र है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 45, 46, 48 और 50, 51, 53, 56, 62, 63, 64 और 76। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये कैटेगरी किससे रिलेटेड है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोस्ट है, तो उसके लिए हम आप 2014 के नोटिफिकेशन में ले चलेंगे। तो कैटेगरी नंबर हम पहले आपको बता दें 36 से क्या है, तो कैटेगरी नंबर आप 36 आप देख लें पहले, क्योंकि बिना अंदाजे से आप, बाकी मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगा। तो कैटेगरी नंबर 36 जूनियर इंजीनियर पीवे है, और यहाँ देख सकते हैं NWR के लिए पोस्ट थी 55, किसके लिए, पीवे के लिए, और पीवे किस में आता है, जेई सिविल में आता है। उसके बाद अगर कैटेगरी नंबर 37 की बात करेंगे तो उस तरह से ये भी सिविल की वैकेंसी है वर्ष के लिए, जिसमें अजमेर में आरआरबी अजमेर में 17 पोस्ट थी। इसी तरह से नोटिफिकेशन में एक एक पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं कौन सा कैटेगरी क्या था। तो 38 नंबर की बात करेंगे तो 38 नंबर ब्रिज का है, ये भी सिविल का है। उसी तरह बाकी और देखना चाहेंगे, जैसे मान लिया आपको दिखाना है 46, तो 46 मैकेनिकल की है, जिसमें कैरिज एंड वैगन का पोस्ट है, तो इस तरह से इसमें अजमेर में वैकेंसी की संख्या 13 थी। तो इसी तरह से आगे आगे आप देख सकते हैं एक एग्जैक्ट अपने हिसाब से, लेकिन हमारा वीडियो था कटअप का, तो कटअप पे चलते हैं। तो कटअप पे हम जाएंगे, तो कटअप के लिए हम बात करेंगे पहले 36 का। तो कैटेगरी नंबर 36 आपको किसके लिए था, पी वे, और ये वैकेंसी आती है सिविल के लिए। तो इसमें यूआर का कटअप दिखा रहा है 57.17, उसके बाद एससी के लिए 50.74 और एसटी के लिए 49.67 और 54.16 ओबीसी के लिए। लेकिन यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि ये 150 में है, 100 में है, तो ये कुछ क्लियर नहीं किया हुआ है दोस्त, कहीं भी आप जाएंगे तो शायद ये ज़्यादा उम्मीद है कि परसेंटेज के टर्म में है, क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसी परसेंटेज के टर्म में अभी एक कटअप दिया जाता है। लेकिन पेपर जब उस समय का होगा, 150 होगा, 140 होगा, तो 150 वहाँ था, लेकिन इसमें से कौन से प्रश्न है यहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा। ये 100 नंबर में मेरा अनुमान है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो कुछ लोग थोड़ा सा एडवांस होते हैं, परीक्षा दिए हुए होते हैं, वो अपने हिसाब से पूरी चीज़ों को आधा सुने हुए सारी चीज़ अपने मन से लगा लेते हैं। तो चलिए यहाँ बात करेंगे 37 नंबर की, कैटेगरी नंबर 37 था वर्ष का। तो एक एक देखने चाहे जेई वर्ष, ये भी सिविल की वैकेंसी है, जिसमें कटअप की बात करेंगे 38 नंबर वर्ष के लिए, तो यहाँ 59.95, 54.82 एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी के लिए 52.43 और 54.61 था ओबीसी के लिए। उसके बाद एनएफआर में बात करेंगे 43 नंबर में, ये 43 नंबर बेस्ट वैकेंसी की है। 43 नंबर किसकी है पता है, मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल में आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल 67.63, 61.67 एसी के लिए, यूआर के लिए 67 है, और देखिए मैकेनिकल में भी 2-3 है, मैकेनिकल और अदर देन मैकेनिकल। उसके बाद पीएच कैंडिडेट, डब्ल्यू
जिसको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट दिया हुआ है और फाइनली दिया हुआ है एक सर्विसमैन का, तो सब अलग अलग है, लेकिन ये दोनों है मैकेनिकल और अदर देन मैकेनिकल दोनों के लिए कटअप थोड़ी थोड़ी का डिफरेंस है। उसके बाद एसी में है, उसके बाद ओ बी एस टी में देखेंगे तो 63.39 है और ओ बी सी में 65.89 है, तो ये भी कटअप आप देख लिए। उसके बाद 43 नंबर में ही यानी जेई मैकेनिकल का ही दूसरे आरआरबी मतलब आपका डब्ल्यू सी आर रेलवे चेंज हो रहा है, एन डब्ल्यू आर और डब्ल्यू सी आर वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का है, जिसमें यू आर के लिए 66.54, 61.55, 56.71 एससी के लिए और ओबीसी के लिए यहाँ कोई सीट नहीं दर्शा रहा है। उसके बाद अगला कैटेगरी हमारे पास था 45 नंबर, तो 45 नंबर कैटेगरी आप देख ले, तो 45 नंबर कैटेगरी किसके लिए था, तो ये भी जेई मैकेनिकल का था, मैं देख के सारा लिख रखा हूँ। ये 67 है यू आर के लिए, 60.46 है एससी के लिए, एसटी के लिए 56.94 है और 65.96 आपका ओबीसी के लिए है। उसके बाद 46 नंबर सी एन डब्ल्यू कैरेज इन बैगिन मैकेनिकल का पोस्ट है, जिसमें 74.75, 59.38, 61.46 और 66.16, तो यहाँ यू आर है, यहाँ आपका एस सी है, यहाँ एस टी है, यहाँ ओ बी सी है, आपको देख सकते हैं। उसके बाद 48 नंबर है मैकेनिकल एम डब्ल्यू टी मिल राइट होता है व्हील्स के लिए, इसमें है 48.93, बाकी में कोई पोस्ट नहीं था यू आर के अलावा। उसके बाद 50 नंबर कैटेगरी जिसमें डीजल मैकेनिकल है, डीजल मैकेनिकल जिसमें पोस्ट की संख्या अलग अलग होगी और यहाँ 71, 62, 59 ओबीसी का कोई नहीं। उसके बाद 51 नंबर था इलेक्ट्रिकल डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए 67, बाकी में कोई पोस्ट नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे 53 के लिए, तो 53 है डिजाइन एंड ड्राइंग इलेक्ट्रिकल में एक पोस्ट है होगा आपका डिजाइन एंड ड्राइंग, तो उसकी पोस्ट के लिए है 69.37, बाकी एससी एसटी का नहीं है, ओबीसी के ला 66.20 है। उसके बाद 56 नंबर पोस्ट की बात करेंगे तो ये है इलेक्ट्रिकल जनरल, इलेक्ट्रिकल जनरल के लिए है, जिसमें यूआर के लिए 67.68 है, एससी के लिए 61.89 है, 63.17 एसटी का है और 66.98 आपका ओबीसी का है। उसके बाद 62 नंबर की बात करेंगे तो 62 नंबर है डिजाइन एंड ड्राइंग इलेक्ट्रिकल, एक और पोस्ट है, यहाँ दो कैटेगरी था, तो 67.89 आपका यूआर के लिए, 60.82 आपका एसी के लिए, एसटी का नहीं था, ओबीसी के लिए 66.56। उसके बाद 63 नंबर बात करेंगे तो 63 नंबर पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिग्नल, सिग्नल आप जानते ही हैं सिग्नल का पोस्ट है, जिसमें 72.22 है यूआर के लिए, एसी के लिए 58.56 है और एसटी आपका ओबीसी के लिए 71.29 है। उसके बाद 76 नंबर पोस्ट की बात करेंगे तो 64 नंबर पहले, तो 64 नंबर आपका है टेली कम्युनिकेशन जेई, तो जेई टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोस्ट है, जिसमें यूआर का कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल एसी का था 60.90 है और ओबीसी के लिए 67.46 है। उसके बाद 76 नंबर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वैकेंसी में डीएमएस, तो डीएमएस की वैकेंसी डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इसकी कटअप हमेशा सब जगह गई है ज़्यादा थोड़ी, तो यहाँ यूआर के लिए 71.75 है और 70.89 है आपका एससी के लिए, बाकी दो एसटी और ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं थी। तो उम्मीद है कि जो हमने ये कटअप का डिस्कस किया, कटअप 2014 का, जिससे आपको आरआरबी सिलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। और कुछ लोगों का यहाँ कमेंट आ रहा था कि क्या सर कटअप ही ज़रूरी है क्या, तो मैं बोल रहा हूँ पिछले साल का कटअप रिपीट नहीं होता, लेकिन एक कंसेप्ट आपको डेवलप होता है कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ये होगा, और जेई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सिविल, तो जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और डीएमएस ये कंबाइंड है, जेई सिविल अलग है, जेई आईटी अलग आपका है इस बार की वैकेंसी में, और जेई प्रिंटिंग प्रेस की अलग क्वालिफिकेशन है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका डिप्लोमा या डिग्री है तो डायरेक्ट ये चारों पोस्ट में भर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा और कोई नहीं है क्या, तो दोस्त बहुत सारे ट्रेड है, सबको एक साथ डिस्कस करना यहाँ नहीं है, यहाँ आपको इंस्ट्रूमेंटेशन का भी मिलेगा, कंट्रोल इंजीनियरिंग का मिलेगा, कंप्यूटर साइंस का मिलेगा, पॉइंट मशीन का मिलेगा, वेल्डेड से रिलेटेड ट्रेड है, तो बहुत सारे ट्रेड इसमें कंबाइंड होंगे, लेकिन कोर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एक कोर सब्जेक्ट है और मैक्सिमम इसको ही लोग करते हैं, बाकी उसके साथ कंट्रोल
इंस्ट्रूमेशन वगैरह सारे के लिए इसमें वैकेंसी है, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ही रहेगा आपका। थैंक यू, धन्यवाद।